और जो एक कंप्लीट कार की कॉस्ट है वो हम 2 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गाड़ी बड़े आराम से 35-40 लाख के आसपास की गाड़ी बन जाएगी। पंजाबी गानों में गाड़ी आ चुकी है वैसे, जैसे रेड वाली गाड़ी आई है वैसे ये भी साथ में आई है गाड़ी। तो मुझे खुद इन गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तभी मैंने इन गाड़ियों की वीडियोस वगैरह स्टार्ट किए हैं बनाने, क्योंकि मुझे शौक़ है गाड़ियाँ देखने का। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी शौक़ करवाता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज यूर जिगरी यार सनी क्लेयर। तो भाई आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक गैराज टूर लेके आया हूँ वैगन स्ट्रीट का। तो मेरे साथ गैराज के ऑनर रणजीत सिंह जी है, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई, सत श्री अकाल। नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाजी पहले तो आप हमें अपनी जो गैराज है उसकी लोकेशन बताइए। हमारा गैरेज है जो चंडीगढ़ जलंधर बाईपास बना है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसी हाईवे के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है जी, बिल्कुल आपको अगर आप रोपड़ आते हो एंड आप बाईपास के ऊपर आप एंटर करते हो, आपको हमारा गैरेज ऑन दी हाईवे ही दिख जाएगा। हाईवे से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ियाँ हाईवे के ऊपर ही खड़ी होती है, आप दूर से दिख जाएगी। तो आइए आपका गैराज भाजी का आपको दिखाते हैं। तो आ जाओ भाजी। तो भाजी आपके पास मोस्टली जो गाड़ियाँ हैं सारी की सारी क्लासिक विंटेज गाड़ियाँ ही हैं। जी हाँ, हमें इम्पोर्ट्स एंड क्लासिक का ज़्यादा शौक है, तो सारी मैक्सिमम गाड़ियाँ हमारे पास इम्पोर्ट्स ही है। बिल्कुल भाजी, जो ज़्यादा डील करते हैं वो इम्पोर्टेड गाड़ियों में ही डील करते हैं। तो भाई आ जाओ, आपको गैराज टूर देते हैं। तो भाजी ये कौन सी गाड़ी है? ये एस क्लास है, 1994 S320 है। बहुत अच्छी कार है, पेट्रोल कार है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और बड़ी अच्छी क्वालिटी में ड्राइव होती है कार। 6 सिलेंडर इनलाइन 6 सिलेंडर इसमें इंजन आता है, और ये फॉर सेल है। तो आइए और गाड़ियाँ भी आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये मतलब इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बाहर से? जी हाँ, ये दोनों इम्पोर्ट्स हैं, ये दोनों टोयोटा क्रेसीडास हैं। हमारे पास टोटल 4 टोयोटा क्रेसीडास है, ये उनमें से 2 ये कार्स है। दोनों को अलग अलग टेस्ट से हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 1991 मॉडल है, ये 1989 मॉडल है। ये हमारी फ़र्स्ट कार थी जिसके साथ हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। इसको देख के, इसके साथ इतना हमारे रिलेशन अच्छा रहा इस कार के साथ, इसको देख के ही हमने स्टेशन वैगन्स कलेक्ट करनी शुरू की। तो बिल्कुल भाई, ये गाड़ी जो है, गाड़ियाँ पाजी की पर्सनल कलेक्शन में है, ये गाड़ियाँ सेल के लिए नहीं है। तो भाई इनके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी खड़ी है, तो अभी इस पर रजिस्ट्रेशन का काम है जो वो शुरू होना है। तो भाई ये मर्सिडीज़ 123 है ना पाजी? जी हाँ, ये मर्सिडीज़ 1982 है, ये 123 है। ये 240D डीजल इंजन के साथ है विद मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका बॉडी वर्क हो रखा है गाड़ी का। बॉडी वर्क कंप्लीट होने के बाद हमने गाड़ी का काम रोक दिया था, जिसकी वजह से हमने ब्रश के साथ ऐसे ही प्राइमर अप्लाई कर दिया था, जो करके गाड़ी को रस्ट ना खाए और इसका जो बॉडी वर्क किया हुआ वो मेंटेन रहे। गाड़ी का काम बीच में रोक दिया था और ये गाड़ी सेल पे है। तो ये आप प्रॉपर रेडी करके गाड़ी कितने में सेल करोगे? देखिए, जो हम गाड़ी का कंप्लीट है, जो लाइट्स वगैरह सब कुछ मेरे पास नए पार्ट्स अंदर पड़े हैं, और जो एक कंप्लीट कार की कॉस्ट है वो हम 2 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज इट इज़ कंडीशन विद ऑल दी पार्ट्स। अगर आप चाहते हो रिस्टोरेशन करवाना चाहते हो, वो टोटली कस्टमर पे है। अभी वो बाहर बाहर से पेंट करवाना चाहते हैं, इंटीरियर भी करवाना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल रिस्टोरेशन भी करवाना चाहते हैं। ये सारा उनके डिमांड के ऊपर है और उसके हिसाब से ही आपका बजट इस कार का बन जाएगा। मान लो भी अगर पूरा मैकेनिकल वर्क एकदम ए क्लास, हर चीज़ अंदर से इंटीरियर मतलब एकदम बढ़िया वाली, मतलब कोई वो नहीं, तो फिर कितने में ये गाड़ी कॉस्ट करेगी? अगर मैं इस गाड़ी की वैल्यू इंक्लूड ना करूं तो 123 की रिस्टोरेशन कॉस्ट हमारे पास पार्ट्स वगैरह ये सब सारा कुछ डाल के कुछ 2.5-3 लाख रुपए आ जाती है इजीली। बाकी अगर कार की कंडीशन बहुत अच्छी है तो वो कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा बुरी है और पार्ट्स कम्प्लीट नहीं है तो वो बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल भाई, अगर आपके पास है तो आप रिस्टोर करवाना चाहते हो तो 3 लाख रुपया रिस्टोरेशन की कॉस्ट है। बाकी और भी बढ़ सकती है, तो कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी पे और आप जो भी काम करवाना चाहते हो। तो एक मोटा मोटा 5 लाख रुपए में ये गाड़ी मतलब आप दे दोगे? सर पूरी तैयार होके गाड़ी 5 लाख में आपको दे देंगे। तो बिल्कुल भाई यार, जो मुझे कंप्लेन करते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत से भाई मैसेज करते हैं कि भाई आप SUVs के ज़्यादा दिखाते हो, तो भाई आज मैं आपका जो कंप्लेन है वो दूर कर दूंगा। आज कोई भी SUV नहीं दिखाएंगे, ज़्यादा स्टेशन वैगन्स और जो मर्सिडीज़ गाड़ी हैं वो दिखाएंगे। तो आइए आगे आपको और भी गाड़ियां पाजी की दिखाते हैं। गैराज में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां पाजी के पास अवेलेबल है। तो पाजी ये निशान की जो वैन है, ये 2004 मॉडल निशान की अर्बन वैन है,
3000 सीसी के साथ ओरिजिनल डीजल इंजन है इसका। सस्पेंशन वगैरह इंजन वाइज एंड इंटीरियर सब कुछ ए टू जेड मिंट कंडीशन में वर्किंग है एंड कार की ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल भाई, ये गाड़ी भी सेल के लिए है? जी हाँ, हम ये भी गाड़ी आपको सेल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ये गाड़ी कुछ हम 9.5 लाख रुपया इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल है। बिल्कुल जी, और आ जाओ, और भी गाड़ियां हैं, अभी तो शुरुआत ही हुई है, काफ़ी सारी गाड़ियां हैं पाजी के पास। ये गाड़ी भी वैन भी जो फॉर सेल है, ये फोक्सवैगन की वैन है? जी हाँ, ये 1982 की फोक्सवैगन ट्रांसपोर्टर बस है। ये T3 है बेसिकली, और ये ओरिजिनल पेट्रोल इंजन के साथ है, कार्बोरेटेड पेट्रोल इंजन है इसका, जो बॉक्सर इंजन है। एंड कार की कंडीशन आपके सामने है, हम ये एज इट इज़ भी सेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो इसको फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो, कंप्लीट रिस्टोरेशन करवाना चाहते हो, तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। तो बिल्कुल भाई, जैसे भी आप चाहोगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा पाजी का, तो आप देख सकते हो। ये साथ में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी खड़ी है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई ये कौन सी गाड़ी है? ये 1991 की टोयोटा कैमरी है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन इम्पोर्ट है बेसिकली, कार ऑटोमेटिक है और ओरिजिनल फ्यूल इंजेक्शन के साथ इसका इंजन है, जो टोयोटा MR2 में भी इंजन आता था। इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो इसकी ट्रांसमिशन है बहुत अच्छी है, एंड और प्रॉपरली रनिंग कार है। भाई ये सेल के लिए है या नहीं? जी हाँ, ये कार हम सेल कर देंगे। गाड़ी हमारे पास खड़ी थी, इसको तो इसका विंड स्क्रीन वगैरह टूटा हुआ है, बट हम इसको कंप्लीट करके आपको गाड़ी 5.5 लाख में दे देंगे। वैलिड पेपर्स है, MH रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल जी, तो कुछ पाजी की गाड़ियां फॉर सेल है और कुछ इनकी अपनी पर्सनल कलेक्शन है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये 1985 की वॉल्वो 240 GL स्टेशन वैगन है। बहुत कम गाड़ियां हैं इंडिया में, कुछ गिनवी चुनवी ही हैं। मैं कह सकता हूँ ये उनमें, मतलब एक तरह की बहुत क्लीन कार है। गाड़ी ओरिजिनल 45,000 चली हुई है, इंटीरियर वगैरह सारा ओरिजिनल है गाड़ी का। इवन टायर्स जो एजेंसी से निकलते हैं 85 मॉडल के ही डले हुए हैं, मिशेलिन टायर्स। एंड गाड़ी की ड्राइव बहुत कम है और कंडीशन बहुत ही एक्सीलेंट है। बिल्कुल भाई, ये पंजाबी गानों में गाड़ी आ चुकी है, वैसे जैसी रेड वाली गाड़ी आई है वैसे ये भी साथ में आई है गाड़ी। तो ये पाजी पर डे के हिसाब से इस गाड़ी को रेंट करते हैं, और ये साथ में एक और BMW खड़ी है, जो कि क्लासिक स्पोर्ट्स कार इसको बोल सकते हैं। जी हाँ, एक्चुअली ये 1998 की 3 सीरीज़ है, ये E36 इसको कहा जाता है। एंड ये बहुत ही अच्छी एक ड्रिफ्टिंग कार बनती है, इसके पार्ट्स बड़े इजीली आफ्टर मार्केट अवेलेबल है। जो इसको अल्टरेशन करना चाहते हो, कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, तो आपको आसानी से आप सीधा ही जो प्रॉपरली फिटिंग वाले पार्ट्स मंगवा के इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो। कार जो है वो ओरिजिनल 6 सिलेंडर डीजल है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इंजन की एंड कंडीशन अच्छी कार। भाई साथ में एक और स्टेशन वैगन खड़ी है टोयोटा की, ये भी टोयोटा क्रेसिडा है न? ये हमारी 3री टोयोटा क्रेसिडा है, ये कुवैत इंपोर्ट है, इसकी वजह से ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ये ओरिजिनल पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इसका हमने कंप्लीट रिस्टोरेशन वर्क किया है, इंजन से लेके सस्पेंशन से लेके आउटर बॉडी वर्क सारा ही कंप्लीट रिस्टोर्ड है। तो वैसे मैं पाजी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा गैराज है जो विज़िट करता रहता हूँ, लेकिन इतना यंग गैराज का ओनर मैंने नहीं देखा, तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे यंग जनरेशन को भी इस काम में आना चाहिए। तो आप पाजी इस काम में कैसे आए, मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया, पहले क्या कैसा आपको इस गाड़ियों का शौक़ लगा? एक्चुअली ये ऐसा है कि गाड़ियों का शौक़ ब्लड में है, फैमिली को शौक़ था, पापा को शौक़ है, मम्मा को शौक़ है, भाई को बहुत शौक़ है गाड़ियों का। पापा को ऐसा था भी, वो गाड़ियाँ कभी रेगुलर ज़्यादा टाइम के लिए ड्राइव नहीं करते थे, उनको ऐसा होता था भी मैं रेगुलर गाड़ियाँ चेंज करता रहूँ, अलग अलग गाड़ियों का एक्सपीरियंस लूँ। ऐसा ही चेंज करते करते हम इम्पोर्टेड कार्स में आ गए, एंड जो इम्पोर्टेड कार्स की ड्राइव क्वालिटी होती है, फीचर्स होते हैं, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होते हैं। हमारी पहली टोयोटा क्रेसिडा थी, उसको लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद आई वो गाड़ी, तो वहाँ से हमने ये कलेक्शन करनी शुरू कर दी। आहिस्ते आहिस्ते एक एक गाड़ी हमने जोड़ते रहे, एंड कुछ 18-20 गाड़ियाँ हमारे पास आज तक हो चुकी हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, यंग जनरेशन अगर इस बिजनेस में आती है भाजी, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? देखिए, ये एक स्किल्ड वर्क है, अगर आपको जिस चीज़ में शौक़ है, अगर आप उसमें अपना प्रोफेशन परस्यू करोगे, तो अनडाउटेडली आपको सक्सेस मिलेगी।
हमें गाड़ियों का शौक था, हम इनको मेंटेन करते थे, मेंटेन करते करते हम सारा काम खुद सीख गए हैं, इंजन तक ये सब सारा ओवरऑल हम खुद अपनी वर्कशॉप पे अपने हाथों से करते हैं। एंड आहिस्ते आहिस्ते सारा काम करते करते हमें इसी हमने सोचा कि क्यों ना इसी ही को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, तो हमने गैरेज ओपन किया, गाड़ियाँ रखी, वर्कर्स रखे एंड रिस्टोरेशन का काम अभी शुरू कर दिया। तो मुझे खुद इन गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, तभी मैंने इन गाड़ियों की वीडियोस वगैरह स्टार्ट किए हैं बनाने, क्योंकि मुझे शौक़ है गाड़ियाँ देखने का, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी शौक करवाता हूँ। क्या चक्कर है गाड़ियों के साथ आपने ये दो लकड़ के बॉक्स क्यों रखे हुए? एक्चुअली इन दोनों कार्टन्स में दो इंजन पड़े हैं जो कि बहुत ही रेयर इंजन है। इस वाले में पड़ा है मर्सिडीज़ का 500 SCL का V8 इंजन जो 5000 CC के साथ आता था, जो W126 में आता था। ये आजकल इंजन मिलना बहुत ही मुश्किल इंजन है एंड ये हमारे लिंक में पड़े तो हमने अरेंज किया, तो ये अभी सेल आउट हो चुकी है एंड ये अभी हैदराबाद जाएंगे ये इंजन। और दूसरे कार्टन में पड़ा है रेंज रोवर का V8 इंजन पड़ा है 3.9 लीटर के साथ। ये दोनों इंजन सेम ही बायर ने परचेज़ किए हैं एंड वेरी सून ये हैदराबाद डिलीवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भाई, अगर भाई किसी और बंदे को मतलब सपोज गोवा में या हैदराबाद कहीं पे भी किसी भी गाड़ी का इंजन चाहिए तो आप मतलब अवेलेबल करवा दोगे? जी हाँ, हमें आप क्वेरीज दे सकते हो भी हमें ये इंजन चाहिए। काफ़ी इंजन मेरी निगाह में पड़े हैं अभी, जो मेरे को पता है पुराने इंजन हैं, वैल्यूज़ उनकी अच्छी है और इजीली नहीं मिलते, तो आप अगर आपको बताएंगे भी आपको ये इंजन चाहिए तो हम वो इंजन अपनी निगाह में रखेंगे, जैसे ही वो अवेलेबल होते हैं हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप डिलीवर करवा देंगे। तो आइए आपको लास्ट में जो अंदर से गैराज आपकी पाजी की दिखा देते हैं। तो अंदर भी भाई इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ पड़ी हैं। ये कौन सी गाड़ी है जो अंदर खड़ी की है? ये शेवलेट की कैप्रीस है, कैप्रीस स्टेशन वैगन है। अभी तक हमारी जो जितना भी हमारा सर्कल रहा है, कैप्रीस हमें मिली है, कुछ लोगों के पास है बट उनके पास सेडान्स ही अवेलेबल है, स्टेशन वैगन अभी तक किसी के पास हमने गाड़ी नहीं देखी। तो सो फार राइट नाउ ये अभी तक इंडिया में एक ही कार है जो लोगों की निगाह में है एंड वो हमारे पास। ये कितने में सेल करोगे आप गाड़ी प्रॉपर फुली रिस्टोर करके? एक्चुअली ये कार हम सेल नहीं करेंगे, इसको रिस्टोर करके हम अपने पास रखेंगे। अगर फिर भी इसकी अगर मार्केट वैल्यू देखें तो एज इट इज़ गाड़ी की कंडीशन कुछ 14-15 लाख के आसपास गाड़ी की कंडीशन है, और अगर ये रिस्टोर हो जाए बिल्कुल अच्छे लेवल पे होए, सारा कुछ सामान वगैरह नया डाला जाए, पार्ट्स वगैरह नए डले, तो ये गाड़ी बड़े आराम से 35-40 लाख के आसपास की गाड़ी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखने में भी बिल्कुल एक डिफरेंट लग रही है और काफ़ी गाड़ियाँ अंदर भी है। तो बिल्कुल जी, वो पीछे भी एक गाड़ी आपकी खड़ी हुई है जिस पे आप काम मेरे ख्याल से कर रहे हो, ये कौन सी गाड़ी है? ये 1979 की हिलमैन अवेंजर है जो ये डेमलर के पास भी आती थी सेम कार, ये डॉज में भी आती थी एंड ये क्राइसलर में भी आती थी। कंप्लीट कार है, गाड़ी के सामान वगैरह सारा कुछ खोल के हमने संभाल के अंदर रखा हुआ है। इसका रिस्टोरेशन वर्क शुरू किया था बट समहाउ थोड़ा हमने रोक दिया था, बट इन फ्यूचर वेरी सून हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे एंड रिस्टोर कर देंगे। और ये गाड़ी कौन सी है साथ में खड़ी पीछे? ये 1992 है, ये सिट्रोइन BX है, ये भी इंडिया में बहुत रेयर कार्स है एंड अभी तक हमारी निगाह में ये दूसरी कार आई है, एक महाराष्ट्र में हमारे निगाह में है कार। तो ये डीजल कार है, लेफ्ट एंड ड्राइव है और हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन के साथ है, मतलब लीवर के साथ गाड़ी ऊपर और नीचे आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो इसको। कुछ नॉर्मल गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ क्लासिक विंटेज है, एक जीप है, तो यहाँ पे आप सारा जो वर्क है गाड़ियों का वो करते हो? जी हाँ, एक्चुअली ये कुछ हम रेगुलर कार्स का भी काम करते हैं रिस्टोरेशन का, जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ रखनी होती है, जैसे कि ये अभी एक्सीडेंटल थी तो ये हमने तैयार की है गाड़ी। बिल्कुल, ये मेरे फ्रेंड की कार है विलीज जीप, तो वो हमसे रिस्टोर करा रहे हैं प्रॉपरली, ये ग्राउंड लेवल रिस्टोरेशन हो रही है इसकी। और जेन है, इसकी भी ग्राउंड लेवल रिस्टोरेशन हो रही है, ये हमारे रिलेटिव की कार है। वो पीछे खड़ी है वो हमारी 4th टोयोटा क्रेसिडा है। Okay. जिसका हमने कॉन्सेप्ट किया है, अभी हम इसको ऑफ रोडर बनाएंगे लिफ्ट अप करके प्रॉपरली विद इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ। एंड जो हमारी ये कार है इसके साथ खड़ी है, इसका रिस्टोरेशन वर्क शुरू हो रखा है, ये सारी कार रिप करी हुई है। ये है फॉक्स वैगन की गोल्फ मार्क 1, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ओरिजिनल डीजल कार है। कार की इंजन एंड इंजन साउंड को बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी ड्राइव होती है और एवरेज बहुत अच्छी गाड़ी होती है। ठीक है जी भाई, जैसे एक ये जेन गाड़ी है, मतलब एक नॉर्मल सी ये गाड़ी है इंडियंस की,
तो कई लोगों की इसके साथ जब बात जुड़े होते हैं, जैसे हाँ मेरे पास भी है एक पुरानी जेन 98 मॉडल, तो वैसे इस गाड़ी को अगर किसी ने रिस्टोर करवाना हो तो कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, अगर ये सारा ही सारा गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, माइनर डेंट्स हैं, पेंट वर्क ख़राब है, बट रस्टेड नहीं है गाड़ी, तो आपकी गाड़ी अगर आप बाहर बाहर से रिस्टोर करवाते हो तो 25,000 के आसपास गाड़ी पेंट वर्क हो जाती है। अगर आप उसको चाहते हो भी रिप करवाना चाहते हो तो कुछ वो 35-40 हज़ार के आसपास अच्छे से काम हो जाता है। तो भाई, अंदर से पूरी आपको जो गैराज का टूर है मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पे भी 2-3 इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ खड़ी थी, तो इन्हें मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता था। तो सॉरी भाई, रोड के ऊपर है, हाईवे है मेन, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है गाड़ियों की। तो ये इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी भाई से बात करते हैं। तो भाई, ये कौन सी गाड़ी है? ये 1994 की टाटा करोला स्टेशन वैगन है। ओरिजिनल पेट्रोल इंजन के साथ कार्बोरेटेड इंजन है। सस्पेंशन वगैरह सारा कुछ ओरिजिनल वर्क है गाड़ी का, और परफेक्ट कंडीशन में कार है। अभी इसका रजिस्ट्रेशन वर्क हमने डुअल पेंट जॉब में किया है, ऑरेंज एंड ब्लैक में। भाई, ये करोला, जैसे आपने एक कैमरी मुझे वहाँ पे दिखाई, एक ये करोला दिखाई, मैंने जितनी भी देखी है सेडान में ही देखी है ज़्यादा। जी हाँ, एक्चुअली ये पुराने मॉडल की सारी इम्पोर्ट कार्स है, तो बहुत ही कम आपको स्टेशन वैगन मिल पाएगी कोई गाड़ियाँ ऐसी। बट स्टेशन वैगन में जो फीचर्स होते हैं, जो इनकी ड्राइव क्वालिटी होती है, वो सेडान से बेटर होती है। पाजी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। ये था मेरा भाई वैगन स्ट्रीट का एक गैराज टूर। कमेंट करके आप बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।